Hello everyone, my name is Anshita Jain. Welcome back to our channel Enrich Minds. आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नेम है मैंगोस राउंड द ईयर. नीतू, वाओ, अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पुरीज. जो नीतू है वो बोलती है अमन के लंच बॉक्स में आज मीठी पुरी है. फिर जो अमन है वो बोलता है हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी. तो जो अमन है वो बोलता है आज नीतू पोटैटो की सब्जी लाई, आलू की सब्जी लाई है. फिर प्रीति बोलती है आई हैव कॉल्ड भिंडी, मैं भिंडी लाई हूँ. फिर अमन बोलता है ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. फिर प्रीति बोलती है डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक, हेयर यू टेक सम भिंडी. जो अमन है वो नीतू से बोलता है नीतू तुम्हारी जो पोटैटो की सब्जी है आलू की सब्जी वो शायद खराब हो गई है. स्पॉइल मीन्स खराब हो जाना. तो प्रीति बोलती है कि उसको खाना नहीं, तुम बीमार भी पड़ सकती हो, तुम मेरी भिंडी खा सकती हो. क्वेश्चन इज हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज गॉट स्पॉइल्ड. अमन को कैसे पता चला कि जो सब्जी है वो खराब हो गई है. अमन गॉट टू नो दैट द पोटैटो सब्जी गॉट स्पॉइल्ड बाय द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम इट. उसकी गंदी स्मेल से अमन समझ गया था. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज गॉट स्पॉइल्ड. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड. कि आपने कभी ऐसा फूड आइटम देखा है जो खराब हो गया हो, आपको कैसे पता चला कि वो खराब हो गया है. आंसर इज येस आई हैव सीन सम फूड स्पॉइल्ड, आई गॉट टू नो बाय द बैड स्मेल कमिंग फ्रॉम इट. आपने आंसर में लिखा कि मैंने ऐसे फूड्स देखे हैं जो खराब हो चुके होते हैं, मैं उनकी बैड स्मेल से समझ जाता हूँ कि ये खराब है. जो खाना खराब हो जाता है उसमें से बैड स्मेल आती है. फिर थर्ड इज प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. वॉट वुड हैव हैपन इफ शी हैड ईटन इट. जो प्रीति थी उसने नीतू से बोला कि तुम ये सब्जी नहीं खाना, क्या होता अगर वो सब्जी खा लेती. तो आंसर इज इफ नीतू हैड ईटन द पोटैटो सब्जी शी वुड हैव फॉलन सिक. अगर वो सब्जी खा लेती तो वो बीमार भी पड़ सकती थी. Look in your kitchen and write down names of food items that can get spoiled in 2-3 days. आपको ऐसे food items के name लिखने हैं यहाँ पे जो 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं. तो answer is food items that get spoiled in 2-3 days are milk, boiled rice, curries, bread, etc. ये चीज़ें क्या 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं. फिर कैन बी कैप्ट फॉर अ वीक, ऐसी चीज़ें जो अपन एक वीक तक रख सकते हैं. आंसर इज अनियन, पोटैटो, कैरेट्स एट्सेट्रा वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month. और ऐसी चीज़ें जो एक महीने तक ख़राब नहीं होंगी. तो आंसर में आप लिखेंगे घी, रॉ राइस, पिकल, ग्रेन्स एट्सेट्रा. पिकल मीन्स अचार होता है. तो जो कच्चा चावल, अचार और घी है ये चीज़ें अपन महीनों तक स्टोर कर सकते हैं. नाउ लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. अब आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड की लिस्ट को भी देखना है कि उसने क्या लिखा. तो आप लिखेंगे आंसर में माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो हैज सेम आइटम्स एज माइन. द कुक्ड फूड आइटम्स गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज. वेजिटेबल्स लास्ट फॉर अ वीक एंड ड्राई ग्रेन्स में लास्ट फॉर अ मंथ और मोर देन अ मंथ वेन प्रिजर्व्ड केयरफुली. आपने आंसर में लिखा कि जो मेरे फ्रेंड की लिस्ट है वो भी मेरे जैसी सेम है, उसमें भी सेम आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं. और आपने लिखा कि जो कुक्ड फूड आइटम्स होते हैं पके हुए वो 2-3 दिन तक ही रख सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं. और वेजिटेबल्स अपन एक वीक तक रख सकते हैं. और जो कच्ची ग्रेन्स होती हैं या अचार वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें ये अपन महीनों से ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी अगर अपन उसको अच्छे से स्टोर करेंगे. विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, वॉट वुड चेंज. कि आपकी जो लिस्ट है वो हमेशा सेम रहती है सारे सीजन्स में, और क्या चेंज होता है. आंसर इज नो, बेस्ड ऑन द डिफरेंट सीजन द लिस्ट चेंजेस. ड्यूरिंग समर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स
may get spoiled for a day due to dryness. Usually in winters, leafy vegetables may last for 3 days or so due to the coolness. In rainy season, it may not last longer due to the moisture. अपने आंसर में लिखा कि सभी सीजन्स में सेम नहीं रहती है लिस्ट, तो समर सीजन के टाइम जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं एक दिन में, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है. और विंटर्स में क्या होता है, वो 3 से 4 दिन तक चल जाती हैं वो सब्जियां, ख़राब नहीं होती क्योंकि ठंडी रहती हैं वो, या वेदर जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है. इन रेनी सीजन इट मे नॉट लास्ट लॉन्गर ड्यू टू द मॉइस्चर. और रेनी सीजन में क्या होता है, वो ज़्यादा भी नहीं चल पाती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है. नेक्स्ट इज व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस, व्हाट डू यू डू विद इट. जब आपके घर में फूड खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं उसके साथ. आंसर इज व्हेन द फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन आवर हाउस वी पुट इन टू द ट्रैश. जब वो खराब हो जाता है तो हम उसको ट्रैश में रख देते हैं. बीजी रिटर्न द ब्रेड. Amman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. यहाँ पे क्या होता है, जो अमन के बीजी होती हैं वो मार्केट से ब्रेड खरीद कर लाती हैं, और शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहने के कारण जो शॉपकीपर रहता है एक पैकेट उठा के उनको दे देता है. वो देखती हैं और उसको तुरंत वापस कर देती हैं पैकेट को. लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गैस वाई बीजी रिटर्न्ड इट. अब ये जो ब्रेड पैकेट है अपन को इसको देख के बताना है कि बीजी ने उसको वापस क्यों कर दिया. तो आंसर इज बीजी रिटर्न द पैकेट बिकॉज ही सॉ द फंगस क्रिएटेड इन साइड द पैकेट, मे बी इट हैड एक्सपायर्ड. जो बीजी थी उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि उन्होंने एक फंगस को देखा, फंगस जो थी वो लगी हुई थी उस ब्रेड के पैकेट पे, इसलिए उन्होंने वो वापस कर दिया, वो एक्सपायरी डेट हो चुका था शायद. हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड. उनको कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो सड़ चुकी है. She found out that bread has got spoiled by seeing the black spots in it. उन्होंने black spots देख के पहचान लिया कि ये खराब हो चुकी है. Look carefully at 2-3 packets of food items. What can we know from what is written on the packet? आपको ऐसे 2-3 food items के packet को देखना है और आपको क्या पता चल रहा है उन पे जो लिखा है उनसे. आंसर इज व्हेन वी सी द पैकेट्स वी गेट टू द एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर द फूड, प्राइस, नेट वेट. तो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि आपको कैसे पता चलता है पैकेट के बारे में, आपको क्या पता चलता है उस पर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं उससे, तो आपको आंसर में लिखना है. तो आपने आंसर में लिखा जब भी हम पैकेट को देखते हैं तो हम उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं ये देखते हैं, उसका प्राइस, नेटवेट, ये सारी चीज़ें देखते हैं. व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, फॉर ऑन द पैकेट. तो जब भी आप बाहर से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं उस पैकेट पे. आंसर इज व्हेन आई बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट आई फर्स्टली लुक फॉर द मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट. जब मैं सबसे पहले बाजार से कुछ भी खरीदता हूँ तो उस पर मैं एक्सपायरी डेट देखता हूँ और मैन्युफैक्चरिंग डेट देखता हूँ. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्सपायरी डेट क्या होती है. एक्सपायरी डेट किसी भी फूड आइटम की या कुछ भी चीज़ जो आप लगाते हैं, स्किन केयर या कुछ भी आपके डेली रूटीन में, उसकी वो डेट जब वो सामान सड़ जाता है या मतलब वो अपनी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है, एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद कोई भी सामान अपने लिए हार्मफुल रहता है. और मैन्युफैक्चरिंग डेट वो होती है जिस डेट पे वो सामान बना हुआ है. अब यहाँ पे आपको दिया है कि आपका फूड खराब कैसे होता है, तो आपको इसको रीड करना है, फाइंड आउट करना है कि अपने फूड को अपन कैसे खराब होने से बचा सकते हैं और एक जो फूड है वो
कैसे खराब होता है। फिर आपको यहाँ पे उसके बारे में लिखना है कि आपने क्या क्या पढ़ा था और कैसे कैसे आपका फूड जो है खराब हुआ। फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। अब आप ये जब पढ़ेंगे कि कैसे खराब होता है फूड, तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो फंगस है वो ब्रेड पे कैसे आई। तो फिर आपको आंसर में लिखना होगा कि जो फंगस आई उसके कारण क्या चेंजेस आए, और जो रीजंस हैं चेंजेस के वो भी लिखना है। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। सम फूड्स स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, दिस सम सीजंस एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। इसमें आपको ये करना है कि जो डिफरेंट काइंड्स के फूड होते हैं वो डिफरेंट सीजन्स के कारण ख़राब होते हैं। तो ऐसा फूड जो दूर तक चलता है, मींस ज़्यादा टाइम तक सही रहता है, ऐसा जो जल्दी ख़राब हो जाता है, आपको इन चीज़ों की लिस्ट बनानी है कि कौन सा फूड जल्दी से ख़राब हो जाता है या किसको अपन प्रिजर्व करके रख सकते हैं वो चल जाएगा। ऐसे सीजन्स के ऊपर बनाना है आपको। Given below are some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1 to 2 days, match the correct pairs. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैचिंग दी हुई है कि 1 से 2 दिन तक ये रखे जा सकते हैं फ्रेश के फ्रेश, तो आपको इनके करेक्ट पेयर्स बनाने हैं। नेक्स्ट इज समर ट्री मोमिडी तंद्र। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अत्रयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स दे आल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। यहाँ पे दो भाइयों की बात हो रही है, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू, जो कि अत्रयापुरम टाउन है आंध्र प्रदेश में, उधर रहते हैं। ये जो बच्चे हैं ये अपना समर कैसे स्पेंड कर रहे हैं, समर हॉलीडेज मैंगो गार्डन में स्पेंड करते हैं। और कौन सी ट्रीज पे, जो फुल ऑफ फ्रूट्स मींस फ्रूट्स से भरे रहते हैं, उन ट्रीज पर ये अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और उनको कच्ची कैरी खाना बहुत पसंद है, वो कच्ची कैरी खाते हैं। क्या लगा के, सॉल्ट एंड चिली, नमक और मिर्ची लगा के खाते हैं। बहुत से लोगों को पसंद होता है कच्ची कैरी ऐसे खाना। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kinds of mango pickles. The pickle lasts through the year until the next mango season. यहाँ पे उनकी जो मम्मी है वो different different types के अचार बनाती हैं, और जो कच्ची कैरी होती है उससे बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। और वो जो अचार बनाती हैं वो इतना सारा बनता है कि अगले साल तक काम आता है, जब तक मैंगो का सीजन नहीं आता। वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस्ट अम्मा, वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम ममड़ी तंद्र आम पापड़ फ्रॉम देम। आपने आम पापड़ तो सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा मीठा और टेस्टी लगता है। तो वो एक दिन बोलता है अपनी अम्मा से, चिन्ना बाबू, कि क्यों ना आप वो बनाओ आम पापड़। देयर फादर सेड, मेकिंग ममड़ी तंद्र नीड्स 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क। इफ़ यू बोथ प्रोमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, वी कैन टुगेदर मेक द ममड़ी तंद्र। वो क्या बोलते हैं, 4 हफ्तों की मेहनत लगती है आम पापड़ बनाने में, अगर तुम लोग डेली अगले चार हफ्ते तक हमारी हेल्प करोगे तो ही हम वो बना सकते हैं आम पापड़। फिर क्या, दोनों जो भाई थे वो एग्री हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, सम जैगरी एंड शुगर। यहाँ पे क्या होता है, दोनों भाई फिर मान जाते हैं, उनके पापा उनको कहाँ लेके जाते हैं, मार्केट लेके जाते हैं। तो वो अपने पापा के साथ मार्केट जाते हैं, और फिर वो लोग क्या, एक बुनी हुई पाम ट्री के लीव्स से बुनी हुई मैट लेकर आते हैं। जो डंडे होते हैं कैसुअरीना ट्री के वो लेके आते हैं, और कोकोनट हस्क की
से बनी हुई स्ट्रिंग लेके आते हैं और गुड़ शक्कर लेके आते हैं। अम्मा फाउंड द सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। क्या होता है, अम्मा देखती है कि बहुत ज्यादा धूप है उनके जो घर का पीछे वाला एरिया है उसमें, तो दोनों भाई क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं उन डंडों की हेल्प से। और फिर जो एक प्लेटफॉर्म बनाया उनने, उसके ऊपर वो लोग मैट डाल देते हैं जो वो लेकर आते हैं बाजार से। नेक्स्ट डे क्या होता है, अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। देन दे स्ट्रेन्ड द पल्प थ्रू अ फाइन मुस्लिन क्लोथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। देन चिट्टी बाबू क्रस्ट द गुड़ टिल देयर वर नो लम्ब्स। अब क्या होता है, उनके जो पापा है सबसे पके हुए मैंगोज को छाटते हैं और उनको एक बड़े से पॉट में उनका पल्प निकाल देते हैं, मीन्स गूदा निकाल लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक मलमल के कपड़े से उसमें से उसको छान बोल सकते हैं, पर वो छान लेते हैं या अलग कर देते हैं कि अच्छा अच्छा जो है बिना रेशों का वो उनके पॉट में आ जाता है। फिर जो उनको आम पापड़ बनाने के लिए चाहिए रहता है, फिर वो क्या करते हैं, उसमें जो गुड़ रहता है वो क्रश करके डालते हैं, मीन्स तोड़ तोड़ के डालते हैं जब तक उसमें लम्ब्स ना रहे। और उसको वो तब तक घुमाते रहते हैं। लम्ब्स मीन्स होता है कि गुठली पड़ जाती है किसी भी चीज में, तो उस आम पापड़ में गुठली नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको चलाते रहते हैं। नेक्स्ट इज दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन द इक्वल अमाउंट्स टू द पल्प। क्या होता है, फिर वो लोग गुड़ और शक्कर इक्वल अमाउंट्स में पल्प में डाल देते हैं। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद द बिग स्पून। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। क्या होता है, जो चिन्ना बाबू रहता है वो गुड़ और शक्कर को एक बड़ी स्पून की हेल्प से मिलाता है और अम्मा उनकी जो मैट रहती है उस पर वो पल्प फैला देती हैं एक पतली सी लेयर में, और वो उसको सन में सूखने के लिए रख देती हैं। और शाम को एक साड़ी की हेल्प से वो क्या करती हैं, उस मैट को कवर कर देती हैं जिससे उस पर कोई डस्ट ना लगे आम पापड़ पे। The next day they again took out some mango pulp, then added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it for the next 4 weeks. They hoped that it would not rain. अब क्या होता है, next day वो लोग फिर same process करते हैं। जब उनका pulp ready हो जाता है फाइबर्स निकलने के बाद, रेशे निकलने के बाद, तो वो वापस ले पुराने दिन वाली लेयर पे डाल देते हैं। ये काम उन दोनों भाइयों का रहता है। अगले 4 हफ्तों तक वो लोग लेयर के ऊपर लेयर डालते जाते हैं डेली, और वो लोग होप कर रहे थे कि बारिश ना हो। 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 centimeters थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द ममड़ी तंत्र इज रेडी, वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इंटू पीसेस टुमारो। 4 वीक्स के बाद क्या होता है, वो 4 वीक्स तक तो वो लोग एक के ऊपर एक लेयर रखते जाते हैं, और 4 हफ्तों के बाद क्या होता है, फिर जो उनकी लेयर होती है ना आम पापड़ की, वो इतनी मोटी हो जाती है कि 4 centimeters की मोटी हो जाती है और एक गोल्डन केक जैसे दिखने लगती है। कुछ दिन बाद उनकी मम्मी बोलती है कि जो तुम्हारा आम पापड़ है वो रेडी है, हम इसको कल कट करेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ममड़ी तंत्र वॉज कट इन टू स्मॉलर पीसेस। द ब्रदर टेस्ट्स इट, इट वॉज टेस्टी। चिन्ना बाबू सेड वो हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे उन जो दोनों भाई रहते हैं वो उसको प्लेटफॉर्म से उतारते हैं, और फिर उनकी मम्मी उसको कट करती हैं, और फिर जो दोनों भाई रहते हैं उसको टेस्ट करते हैं,
वो बोलते हैं बहुत टेस्टी है, चिन्ना बाबू बोलता है कि ये कितना टेस्टी है, आफ्टर ऑल हमने भी इसमें मेहनत करी है। क्वेश्चन इज व्हाई वो शुगर एंड जैगरी मिक्सड इन टू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कि गुड़ और शक्कर क्यों मिलाई गई थी मैंगो पल्प में और सन में क्यों सुखाया गया था उसको। आंसर इज टू मेक ममली टेंडर शुगर एंड जैगरी वॉज मिक्सड इन टू इट द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। आपने आंसर में लिखा कि उसको आम पापड़ को बनाने के लिए मैंगो पल्प में वो डाली गई थी शुगर। नेक्स्ट इज व्हाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द ममली तंत्र। जो उनके अप्पा थे उन्होंने क्यों पहले पके हुए मैंगोज लिए। अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द ममली तंत्र बिकॉज द राइप्ड वंस कंटेन्स मोर जूस विद लेस फाइबर। इसलिए उन्होंने लिए आम पापड़ बनाने के लिए पके हुए मैंगोज, क्योंकि जो सबसे पके हुए मैंगोज रहते हैं वो ज़्यादा जूसी होते हैं और उनमें फाइबर्स भी कम होते हैं, मीन्स रेशे भी कम होते हैं। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द ममली तंत्र राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। अब आपको क्या करना है कि ब्रदर्स ने कैसे उस ममली तंत्र को बनाया, आपको उसकी स्टेप्स को लिखना है। सो आपने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्टली ब्रदर्स दीज आइटम्स bought these items from the market, that is mat made of palm leaves, string, sugar, jaggery and poles। ये चीज़ें आपको लिखनी है कि उन्होंने क्या किया। पहले वो ये चीज़ें मार्केट से लेकर आए। नेक्स्ट इज बाई यूजिंग मैट एंड पोल्स दे मेड अ प्लेटफॉर्म। फिर उन्होंने मैट का यूज़ करके और डंडियों का यूज़ करके एक प्लेटफॉर्म बनाया। नेक्स्ट डे दे टुक आउट द मैंगो जूस फ्रॉम द राइप मैंगोज एंड फिल्टर थ्रू अ फाइन क्लोथ टू रिमूव ऑल द फाइबर्स। नेक्स्ट डे उन्होंने मैंगो का पल्प निकाला, पके हुए मैंगो का जूस निकाला और फिर उसको एक अच्छे कपड़े की हेल्प से छान लिया जिससे कि उसमें से पूरे फाइबर्स हट जाएं। लेटर दे पोर द थिन लेयर ऑफ जूस ऑन द मैट बाय स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर एंड लेफ्ट इट टू ड्राई। फिर उन्होंने जो था मैट के ऊपर पूरा फैला दिया जूस और उसको अच्छे से पूरे में स्प्रेड कर दिया और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट लिखेंगे आप इट वॉज लेटर कवर्ड विद अ साड़ी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डस्ट। फिर उन लोगों ने, आपको याद होगा, शाम को उसके ऊपर साड़ी भी ढकी थी जिससे कि वो डस्ट में खराब ना हो। सो एवरी डे दे केप्ट ऑन एडिंग लेयर्स टू इट। नेक्स्ट स्टेप आप ये लिखेंगे कि वो डेली डेली ये स्टेप को रिपीट कर रहे थे। आफ्टर 4 वीक्स अ थिक लेयर ऑफ गोल्डन केक ऑफ ममली तंत्र इज प्रिपेयर्ड। फिर 4 हफ्तों बाद उनकी जो आम पापड़ था वो रेडी हो गया। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। आपके घर में पके हुए मैंगो से क्या बनता है और जो पके हुए नहीं होते उनसे क्या बनता है, आपको ये लिखना है। At my house with ripe mangoes, they prepare ममली तंत्र milkshakes. With unripe mangoes, they prepare pickles and chutneys. जो पके हुए मैंगो होते हैं उनसे आम पापड़ और milkshake बनता है और जो कच्ची कैरी होती हैं उनसे अचार और चटनी बनती है। Make a list of all the different types of pickles that you know about and share with your friends. आपको एक पिकल की लिस्ट बनानी है जितने भी पिकल्स को आप जानते हैं। Different types of pickles that I know are mango pickle, lemon pickle, mixed vegetable pickle, आमला pickle. यहाँ पे आपने उन अचारों के नाम लिखे जिनको आप जानते हैं। Next आपने लिखा Is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle is it? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? आपके घर में कोई पिकल है, किसने उस पिकल को बनाया है और किस टाइप का वो पिकल है और जिनने बनाया है उन्होंने कहाँ से सीखा। आंसर इज देयर आर मैनी पिकल्स दैट आर मेड एट माई होम लाइक मैंगो पिकल, लेमन पिकल, आमला पिकल एट्सेट्रा। माई मदर मेक्स दीज पिकल्स, शी लर्न इट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। हमारे घर में बहुत सारे टाइप के पिकल्स हैं, आम का अचार, नींबू का अचार,
और बहुत सारे मेरी मम्मी ने अपनी सॉरी मेरी दादी से ये सब सीखा. What all things are needed to make any of type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and try it. अब आपको अपनी मम्मी या दादी से ये पूछना है कि जो पिकल है उसकी रेसिपी क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं और वो कैसे बनता है. तो फिर आपको यहाँ पे लिखना है How are these things made in your house? पापड़ चटनी बढ़ियान एंड सॉस. अब आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनती हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी मम्मी दादी किसी के भी पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे ये चीज़ें कैसे बनती हैं, आप उनसे रेसिपी लेंगे एंड अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे. नेक्स्ट इज इट इज़ अ टू डे जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता. इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विथ यू, हाउ वुड यू पैक देम, मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड, व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट. आपको जर्नी दी हुई है पुणे से कोलकाता की, दो दिन की जर्नी, अगर आप जाते हैं इस ट्रिप पे तो आप क्या क्या लेके जाते, आपको उसका आंसर लिखना है. इफ आई वर टू गो ऑन दिस ट्रिप आई वुड पैक फूड आइटम्स विच वुड लास्ट फॉर लॉन्ग लाइक बिस्किट्स ड्राई फ्रूट्स स्नैक आइटम्स एटसेट्रा इन अ ड्राई कंटेनर. आई वुड ऑल्सो टेक आइटम्स सच एज चपाती रोटी सब्जी अलॉन्ग विथ मी बट वुड फर्निश इट एट द अर्लीस्ट सिंस दीज गेट स्पॉइल्ड वेरी सून. आपने आंसर में लिखा कि मैं ट्रिप पे पैक्ड फूड आइटम्स लेकर जाऊंगा जैसे बिस्किट टॉफी स्नैक आइटम्स ये सारी चीज़ें अपने ड्राई कंटेनर्स में, और रोटी सब्जी भी लेकर जा सकते हैं पर उनको आपको सबसे पहले खाना होगा क्योंकि ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं. वॉट वी हैव लर्न्ड ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स. व्हाई इट इज़ डन Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? अब आपने देखा होगा कि जो ग्लास के कांच के जार या बॉटल्स होती हैं उनमें कुछ भी भरने से पहले या अचार भरने से पहले उनको धूप में सुखाया जाता है. ऐसा क्यों होता है आपको लिखना है. Yes, I remember the bread had got spoiled. Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles because if any moisture is left in the jars, fungus can be formed very easily and the pickles get spoiled. आपने आंसर में लिखा कि हाँ मुझे ब्रेड वाला एक्सपेरिमेंट याद है कि वो कैसे खराब हुई थी, और जो कांच के बॉटल्स और ग्लास होते हैं उनको इसलिए सुखाया जाता है अचार भरने से पहले जिससे कि उसमें फंगस ना लगे कोई जार में, या कोई मॉइस्चर ना रह जाए, नमी ना रह जाए जिससे कि अचार खराब हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल आम पापड़ चटनी चिक्की एट्सेट्रा लिस्ट सम अदर फूड विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एन्जॉय इट थ्रू आउट द ईयर. अपन मैंगो से क्या बनाते हैं पूरे साल भर के लिए, अचार आम पापड़ चटनी ये सब चीज़ें बना के रख लेते हैं. आपको ऐसे कुछ और फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जिनको अपन बना सकते हैं जो कि बहुत दिनों तक चल सकते हैं. आंसर में आप लिखेंगे हेयर आर अ फ्यू अदर फूड विथ विच वी मेक डिफरेंट थिंग्स सो दैट वी कैन एन्जॉय थ्रू आउट द ईयर. यहाँ कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम जो दूसरे तरीके से बनती हैं या दूसरी चीज़ हैं जिनको हम साल भर रख सकते हैं या थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं. फर्स्ट इज मुरब्बा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट गार्ड एंड आमला. मुरब्बा बना सकते हैं अपन. नेक्स्ट इज पेड़ा इज मेड फ्रॉम मिल्क. पेड़ा भी बना सकते हैं दूध की हेल्प से. बनाना चिप्स आर मेड सो दैट इट लास्ट लॉन्गर. जो कच्चे केले आते हैं उनके बनाना चिप्स भी बन सकते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स आर ड्राइड इन द सन फॉर लेटर यूज. वेजिटेबल्स को अपन सन में सुखा के उनको बाद के लिए यूज के लिए भी रख सकते हैं. अब यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस चैप्टर में आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.